और इससे पहले कि 50 बड़ी खबरों पर नजर डालें, या आप इस वक्त देख रहे हैं तस्वीरें, ड्रेस रिहर्सल जो की जा रही है शपथ ग्रहण समारोह की, जो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की होगी 25 जुलाई को। उससे पहले के ये ड्रेस रिहर्सल की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर। तो शपथ ग्रहण जो समारोह होगा कोविंद का, वो 25 जुलाई को होना है, और उससे पहले ये आप देख रहे हैं तस्वीरें जो ड्रेस रिहर्सल इस वक्त वहां पर की जा रही है। तो किसी तरह की कोई खामी न रह जाए जब ये वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए ये वहां पर इस वक्त पूरी रिहर्सल चल रही है और उसी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। तो 25 जुलाई को रामनाथ कोविंद को दिलाई जाएगी ये शपथ, और उससे पहले ये फुल ड्रेस रिहर्सल की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो देश की जो सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट है, सबसे बड़ा संवैधानिक ये पद जो कि रामनाथ कोविंद को मिलने जा रहा है, और कल ही ये जो नतीजे आए थे उसके बाद ये तय हो गया कि रामनाथ कोविंद अब देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हैं। और इससे पहले जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी, उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं रामनाथ कोविंद, और उससे पहले ये फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। तो जो कारों का जो काफिला है वो किस तरह से गुजरेगा वहाँ से, और जो घोड़ों पर सवार जो जवान वहाँ से निकलते हैं, ये पूरी एक तरह से किसी तरह का कोई कमी ना रह जाए, और क्या कोऑर्डिनेशन वहाँ पर रहेगा, उसी की ये रिहर्सल करते हुए आप इस वक्त देख रहे हैं जो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर चल रही हैं। और बहुत ही कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, और काफ़ी पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जो शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जाहिर तौर पर इतना बड़ा मौका है ये, और 25 जुलाई को ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, और उसी की फुल ड्रेस रिहर्सल, उसी की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन्स पर। ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे संवाददाता इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्म, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, ये फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है और काफी देर से चल रही है, तो कोशिश यही है कि उस दिन किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, और किस तरह से कोऑर्डिनेशन और ये तालमेल रहेगा, जो घुड़सवार हम देख रहे हैं इस वक्त और जो कारों का काफिला वहां से गुजर रहा है, कोई कमी पेशी ना रह जाए, उसी की तैयारी चल रही है फुल ड्रेस रिहर्सल इस वक्त। बिल्कुल मीमांसा जी, जो तस्वीरें आप देख रही हैं वो उसी की फुल ड्रेस रिहर्सल के तहत है। इसमें होता ये है कि राष्ट्रपति भवन से लेकर और संसद तक जिस रास्ते से राष्ट्रपति राष्ट्रपति की शपथ के लिए गुजरना है रामनाथ कोविंद को, उस रास्ते में पूरे उसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है जैसी प्रक्रिया राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की होती है। लिहाजा राष्ट्रपति भवन से ये काफिला निकलता हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल में विजय चौक होते हुए और पार्लियामेंट तक जाता है, और सब कुछ ठीक 100% उसी तरह से सारी स्थिति बनाई जाती है। 25 तारीख को शपथ ग्रहण के दिन जिस तरह राष्ट्रपति की शपथ लेने के लिए रामनाथ कोविंद जाएंगे, तो उसी लिए फुल ड्रेस रिहर्सल आज 10:30 बजे से शुरू हुई थी, जो अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं चल रही है जी। और इस पर कृष्णमोहन मिश्रा भी हमारे दूसरे संवाददाता इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णमोहन, तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं, और राष्ट्रपति भवन से पूरा काफिला शुरू हुआ और संसद भवन तक किस तरीके से जाएगा जब 25 जुलाई को ये होगा शपथ ग्रहण समारोह, लेकिन इससे जुड़ी हुई और कुछ हमें जानकारी दीजिए कि ये किस तरह से किया जाता है वहां पर, और 10:30 बजे ये फुल ड्रेस रिहर्सल वहां पर शुरू हुई थी और अभी तक चल रही है, ये हर साल क्या इसी तरीके से होता है जो फुल ड्रेस रिहर्सल है? देखिए मीमांसा, फुल ड्रेस रिहर्सल हमेशा जो मुख्य इवेंट है उससे 1 या 2 दिन पहले किया जाता है, ताकि उस दिन बिल्कुल फाइनल डिटेल्स जो हैं उनको वर्कआउट किया जा सके। और इस समय जो देख रहे हैं बहुत खूबसूरत दृश्य है, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स जो कहलाते हैं, जो माउंटेड कैवलरी है, जो राष्ट्रपति के अंगरक्षकों का दस्ता है, वो इस समय गुजर रहा है और वो पार्लियामेंट तक राष्ट्रपति को लेकर गया, उसका अभ्यास किया और उसको वापस लेकर आएगा। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। दरअसल 1773 में
वॉरेन हेस्टिंग्स जो उस समय गवर्नर जनरल थे उनकी सुरक्षा के लिए 50 सवार जो कि चीन के राजा ने दिए थे उनसे ये दस्ता बनाया गया था। बाद में बनारस के राजा चेत सिंह ने 50 सवार और दिए थे और इस तरह से उनकी तादाद 100 के करीब पहुंची थी। तब से लेकर अब तक लगभग 250 साल हो रहे हैं आज तक भारत, पहले जब अंग्रेज थे तो गवर्नर जनरल, उसके बाद वायसराय और उसके बाद भारतीय गणराज्य जो बना उसके राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी होती है, राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की होती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए कृष्ण मोहन, ये जानकारी हमें देने के लिए। और तस्वीरें जो हैं बहुत ही शानदार हैं और 25 जुलाई को ये जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा और वो जो है लाइव टेलीकास्ट वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।